वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट फजान्स रूल एंड अंडर दैट रूल वी वर डिस्कसिंग अबाउट पोलराइजिंग पावर ऑफ कटाइन एंड दैट वॉज फिनिश्ड। बट द सेकेंड पार्ट विच इज पोलराइजेशन ऑफ अनायन दैट वी विल डू टूडे। ठीक है बेटा, की होंगे देखो। In polarizing power of cation, we discussed three things. The first was size of cation, second was charge on cation, and the third was pseudo noble gas configuration. Okay. In polarization of anion, करदा कौन है polarization? Cation करदा है। किदी करदा है? Anion दी करदा है। इस करके power किदी लगदी है? Cation दी। तो हुंदी किदी है polarization? Anion दी। Okay. So firstly, we will discuss the first फैक्टर दैट इज साइज ऑफ अनायन। बेटा उदेच की सीगा, मैं थोड़ा कंपेरेबल करके तुहानू दसांगी। उदेच की सीगा कि कटाइन का साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिन्नी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उन्ना ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल अनायन नू पोलराइज किया जा सकता है। बट इहदे विच की होएगा, साइज अनायन का जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी ज़्यादा उहदी पोलराइजेशन होएगी, उन्ना ही ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होएगा। क्लियर है? उस तो उल्टा है। अगे बेटा, चार्ज ऑन कटाइन दी उत्थे आपां गल कीती सी, जिन्ना ज्यादा चार्ज उन्नी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उन्ना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर। इत्थे की है चार्ज ऑन अनायन, जिन्ना ज्यादा चार्ज उन्नी ज्यादा इहदी पोलराइजेशन होएगी तो उन्ना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर। दिस फैक्टर इज सेम फॉर बोथ कटाइन एज वेल एज अनायन। ठीक है। सो फजान्स रूल बेटा मेनली दो चीजा डिस्कस करता है। ये सानू दसदा है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है तो उहदे विच कोवलेंट करैक्टर किहड़ी-किहड़ी चीजा ते डिपेंड करता है। दैट डिपेंड ऑन टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन एंड द सेकेंड वन इज पोलराइजेशन ऑफ अनायन। मैनू लगता कि तुहानू हुण तक पूरा ही बहुत वधिया तरीके दे नाल फजान्स रूल क्लीयर हो गया होगा। दिस इज वेरी ईजी एंड सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अजे यही हुण फजान्स रूल दी थोड़ी एप्लीकेशनस आ कि सानू हाँ भी फजान रूल वाले रूल बारे पता है तो असी इनू किदा यूज कर सकते हैं, है ना, कि मतलब कितने कितने कि चीजा फाइंड आउट करने के लिए यह चीज ये रूल जेड़ा वो यूज हो सकता है। सो फर्स्ट है कि कोवलेंट करैक्टर असी ना सारा सार जिहा कढ के एक बार लिख लें कि कोवलेंट करैक्टर जेड़ा आयनिक कंपाउंड हुंदा वो आ चीजा के पांच चीजा ते निर्भर करता है। मैं कटाइन ते अनायन दोनों दी चीजा मिक्स कर लिया। हुण देखो, पहले कटाइन दे तीन चीजा सी, साइज ऑफ कटाइन, कटाइन चार्ज ते कटाइन सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अनायन दी जो दो चीजा साइज ते चार्ज। ठीक है। हुण देखो बेटा, बाकी सारे दे डायरेक्टली प्रपोर्शनल कोवलेंट करैक्टर, पर साइज ऑफ कटाइन दे इनवर्सली प्रपोर्शनल, क्योंकि आप इतने चार्ज डेंसिटी की गल की सी ना, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। सो ये पांच चीजा तुसीं याद रखनी है। ये घट किसी भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होने वास्ते की चीजा फेवरेबल आ, कि साइज कटाइन का छोटा होवे, कटाइन का चार्ज ज्यादा होवे, सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ये वधाउंदी है कोवलेंट करैक्टर, अनायन साइज भी वधाउंदा, जिन्ना ज्यादा होगा उन्ना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर कंपाउंड का होगा, अनायन चार्ज भी वधाउंदा। ठीक है, पंज चीजा होगी। हुण बेटा कुछ आपां क्वेरीज जिहड़े क्वेश्चन आ सोल्व करांगे तां कि सानूं एप्लीकेटिव पार्ट इहदा पता लगे कि फजान्स रूल वाकई ही इत्थे यूज हो रहा। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट करैक्टर। कंपाउंड्स किहड़े दित्ते होणगे? आयोनिक, बट उन्हां नूं असीं किद्दां अरेंज करना है कि उन्हां दे कोवलेंट करैक्टर दी डिक्रीजिंग पावर दे विच। बेटा तुसीं इह खुद करने आ तिन्नों। ठीक है, तिन्नों खुद करने आ। तुसीं इह देखना हुण इहदे च, देखण जिवें मैं तुहानूं इक एग्जाम्पल दस दिंदी, इहदे च की चीज़ कॉमन है सारिआं च? क्लोराइड, 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 क्लोराइड। ठीक है। अनायन कॉमन है, कटाइन डिफरेंट है। हुण तुसीं इह देखना है कटाइन ते चार्ज सेम है, जे सेम है ते कटाइन दा साइज डिफरेंस है, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਾਇਨ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਟਾਇਨ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਟਾਇਨ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਟਾਇਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਨਾਇਨ 'ਤੇ ਬਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਾਇਨਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਇਟ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ।
सो नेक्स्ट है बेटा कोवलेंट करेक्टर. कोवलेंट करेक्टर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. पढ़िया सी ना. हुण जे आयोनिक कंपाउंड च कोवलेंट करैक्टर वध गया सॉल्युबिलिटी की होएगी, उहदी सॉल्युबिलिटी घटेगी. ठीक है, जे सॉल्युबिलिटी घटेगी मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट भी घटेंगे, डिक्रीज होंगे. और एक चीज होर बेटा याद रखनी, जो कोवलेंट करैक्टर है ना, किसी भी कंपाउंड दे विच अगर होवे आयोनिक कंपाउंड तो एक कलर इंपार्ट करता है. जिन्ना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर किसी कंपाउंड का होगा उन्ना डार्क कलर होगा. ठीक है, अगे आप बेटा इन्ह सारे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करांगे. विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट. दो चीजा दित्तियां बई, अनायन सेम है, फ्लोराइड फ्लोराइड. ठीक है, कैटाइन डिफरेंट, बीई टू पॉजिटिव, मैगनीशियम टू पॉजिटिव. बेटा डाउन द ग्रुप जाने, साइज वधदा है ड्यू टू द इनक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल. साइज वधेगा कादा है, कटाइन दा. कोवलेंट करैक्टर घटेगा, कोवलेंट करैक्टर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट वधेगा, क्योंकि इतने से कितना कोवलेंट करैक्टर वध तो मेल्टिंग पॉइंट घट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, नैक्सट इज विच इज मोर सोलबल. सोलबिलिटी दसनी है बी. एफई ए 3 पॉजिटिव है, ए 2 पॉजिटिव है, किदा कढ़ांगे बेटा? सिंपल ही है, एफई नू एक्स मान लो. ठीक है, एक्स मान लिया. ओ एच का किन्ना होंगे? माइनस वन. कि बेटा तुम नाइनथ क्लास से किए थे, है ना, माइनस वन. तो किन्ने है? 3 इज इक्वल टू टोटल की है 0. एक्स की आ गया प्लस 3. सो इधर की आ गया साढ़े को प्लस 3, इधर की आ गया प्लस 2. केड़ा कटाइन ते चार्ज ज्यादा? इधर ज्यादा. ठीक है, कटाइन ते चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, सोलबिलिटी घटेगी, क्योंकि असं किया कोवलेंट करैक्टर ज्यादा सोलबिलिटी घट. ओके, सो ये ज्यादा सोलबल होगा, ये घट होगा. नैक्सट फेयर बेटा, इस कटाइन सेम है, सिल्वर सिल्वर, ऑक्सीजन ते सल्फर. ऑक्सीजन दे 2 नैगेटिव, क्योंकि सिल्वर ते 1 पॉजिटिव होंगे, तो 2 इंटू 1 पॉजिटिव प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. ऑक्सीजन का कितना आ गया? माइनस 2. इदा ही सल्फर ते कितना आ गया? माइनस 2. ठीक है, हुण बेटा दोनों इको ही ग्रुप च फॉल करते हैं, नंबर ऑफ शैल इनक्रीज कर जाता है जो सल्फर वाल जाइए. साइज इनक्रीज हो गया कहदा? अनायन का. अनायन का साइज वध, कोवलेंट करैक्टर वध, कोवलेंट करैक्टर वध, सोलबिलिटी घट. सिंपल. ठीक है, नैक्सट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डार्केस्ट कलर. हुण कलर की गल करते हैं. कटाइन सेम, सिल्वर 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 सिल्वर. अनायन डिफरेंट, क्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड. सीख ले. डाउन द ग्रुप, साइज इनक्रीज ड्यू टू द इनक्रीज इन नंबर ऑफ शैल. अनायन का साइज ज्यादा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा, कलर डार्कनेस ज्यादा. सब तो ज्यादा होंगे सिल्वर आयोडाइड का डार्क कलर. ये कलरलैस होंगे वाइट येलो एंड डार्क शेल. क्लीयर, बहुत ईजी. नैक्सट है लैड क्लोराइड, लैड आयोडाइड. लैड लैड सेम, ठीक है, क्लोराइड आयोडाइड. डाउन द ग्रुप, साइज वध है, डाउन द ग्रुप जाते हैं. कोवलेंट करैक्टर वधेगा क्योंकि साइज अनायन का वधे तो कोवलेंट करैक्टर वध है. कोवलेंट करैक्टर वधेगा तो कलर ज्यादा डार्क किदा होगा? इदा जी. ओके, नैक्सट है बेटा, वाई टिन टैट्राक्लोराइड इज ए वोलेटाइल लिक्विड वाई टिन डाइक्लोराइड इज ए सॉलिड. ऐसा कि सिंबल है टिन का. ठीक है, हुण की है बेटा, ए क्लोराइड का किन्ना चार्ज? माइनस 1. ऐसा तो मान लो एक्स प्लस माइनस 1 इंटू किन्ने बेटा? 4 टोटल चार्ज. ए टोटल की है, कोई चार्ज नहीं ना, 0. एक्स इज इक्वल टू प्लस 4. एदा किन्ना आ जाएगा? प्लस 2 आ जाएगा. कटाइन चार्ज इतने ज्यादा, ए कटाइन चार्ज ज्यादा होवे कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे. कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होवे ते ओ की होएगा बेटा? लिक्विड होएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर आइदर गैसियस और वोलेटाइल लिक्विड्स. ठीक है, हुण एदा कटाइन चार्ज घट है, कोवलेंट करैक्टर घट होएगा. कोवलेंट करैक्टर घट है, आयोनिक करैक्टर ज्यादा होएगा. सानू पता आयोनिक करैक्टर जिन्हां दा ज्यादा होंदा वह आयोनिक कंपाउंड्स किंदे? सॉलिड्स. सो ये सॉलिड होएगा. सो ये जिहड़ा तुसीं ये नोट कर लेना, मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर आइदर गैशियस और वोलेटाइल लिक्विड्स, जबकि आयनिक कंपाउंड्स किंदे है? सॉलिड. तो जिदा ज्यादा आयनिक करैक्टर होएगा वो सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगा. दैट सिंपल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट some applications of Fajan's rule, in which we have discussed the second part today, that is polarization of anion. Again further we have summarized the Fajan's rule and did some applications of that rule in questions. So this was all about today's lecture. I hope you have understood it clearly. Thank you, students.